अनलॉक वन के साथ ही हरियाणा में रोडवेज की बस सेवा शुरू किए जाने के बाद से लगातार घाटे में चल रही है। जींद डिपो में बसों के लिए पर्याप्त सवारियों के न मिलने से डिपो को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जींद डिपो के महाप्रबंधक का कहना है कि कोरोना की वजह से सवारियां नहीं मिल रही, इसके अलावा लोग निजी वाहनों से ज्यादा सफर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 30 से 35 सवारियां होने पर ही बस डिपो से चलती है, साथ ही जींद डिपो की बसें चंडीगढ़ जाने के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए निर्देशालय के आदेश का इंतजार है। जींद डिपो से आज 41 बसें मतलब अपने विभिन्न रूटों पर निकली हैं, जिसमें से 10 से 11 रूट तो मेरे लंबे हैं और 10 के आसपास हमारे रूट्स लोकल जो गांव में बसें जाती हैं। अभी थोड़ा कोरोना की वजह से सवारियां थोड़ी कम हैं और इसमें सरकार द्वारा 35 यात्री निर्धारित किए गए हैं। हम जैसे हमारे यहाँ बस अड्डा परिसर में कोई भी अपना पैसेंजर आता है, सबसे पहले उसके हाथ धोने का प्रावधान हमने किया हुआ है, साबुन वगैरह रखवा के, उसके बाद फिर उसको पूरा सैनिटाइज करके उसके हाथ वगैरह को और थर्मल स्क्रीनिंग करा के उसको हम गाड़ी में ट्रेवल करने की परमिशन देते हैं। फिलहाल बसों के सड़क पर चलने के बावजूद अभी भी अधिकांश बसों के लिए पूरी सवारियां नहीं मिल पा रही, जिसके चलते रोडवेज के करीब सभी डिपो घाटे में चल रहे हैं। खैर, देखना होगा कि प्रदेश में शुरू हुई रोडवेज की बस सेवा दूसरे राज्यों के लिए कब से शुरू की जाती है। भारत 9 के लिए जींद से अनिल कुमार की रिपोर्ट।